एज वी नो की एट जीरो एट फाइव के पास कोई भी डिविजन का इंस्ट्रक्शन नहीं होता है मीन्स की जो हम इंस्ट्रक्शन हम डिविजन uh, परफॉर्म करेंगे वो यूज करेंगे सब्ट्रेक्शन का इफ यू रिमेम्बर हमने मल्टीप्लीकेशन में क्या किया था हमने एडिशन किया था डिविजन जस्ट अपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे सब्ट्रैक्शन सपोज कि हमारे पास टू नंबर है फर्स्ट नंबर इज बी बी इन हेक्सा डेसिमल तो डेसिमल में दिस इज इलेवन ठीक ये किस लोकेशन पे है ये मेमोरी के टू जीरो फाइव जीरो एच लोकेशन पर है ठीक है नाउ द सेकेंड नंबर जो हमारा दिस इज डिविडेंड दिस इज डिवीडेंड ठीक है डिवाइजर इज फोर ठीक है हेक्स में फोर डेसिमल में भी फोर होगा ठीक है हमें परफॉर्म क्या करना है एंड डिवाइजर इज एट टू जीरो फाइव वन एच हमें परफॉर्म करना है बी बाई फोर और इलेवन बाई फोर तो हम कैसे करेंगे सबसे पहले तो हम इलेवन और फोर डिविडेंड एंड डिवाइजर को कंपेयर करेंगे कि डिविडेंड इज ग्रेटर देन और नॉट ग्रेटर देन डिवाइजर अगर हमारा जो डिविडेंड होगा सपोज डिविडेंड हमने ले लिया ए और डिवाइजर को हमने ले लिया b ठीक है दो वेरिएबल असाइन कर दिए हम फर्स्ट चेक करेंगे कि a इज ग्रेटर देन b और नॉट अगर a इज ग्रेटर देन b है तो कैरी फ्लैग c फ्लैग विल बी जीरो बिकॉज उसे बोरो की जरूरत नहीं पड़ेगी बट इफ a इज लेस देन इफ ए इज लेस हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें बोरो रिक्वायर्ड होता है और सब्ट्रैक्शन के केस में जब भी बोरो रिक्वायर्ड होता है मीन्स की कैरी फ्लैग इज वन ठीक तो फर्स्ट हम चेक करेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर जीरो है तो वी विल परफॉर्म द सब्ट्रेक्शन मीन्स की इस केस में इलेवन एंड फोर को अगर हमने कंपेरिजन किया तो इलेवन इज ग्रेटर देन फोर मीन्स की हमारा डिविजन पॉसिबल है तो क्या करेगा ये इलेवन माइनस फोर वट विल बी द सब्ट्रेक्शन सेवन आएगा ठीक नाउ यहाँ पर हमारा डिवीजन कितनी बार हुआ वन बार हुआ तो हम एक रजिस्टर लेंगे दैट इज क्यू फॉर क्वेश्चन इसकी वैल्यू इनिशियली हम जीरो जीरो रखेंगे जब फर्स्ट टाइम सब्ट्रेक्शन होगा दिस वैल्यू बी इंक्रीज बाय वन और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन ठीक नाउ वॉट इज द न्यू डिविडेंड नाउ न्यू डिविडेंड इज इवन अब हम सेवन को कंपेयर करेंगे विथ फोर अगेन हमने कंपेयर किया विथ फोर व्हाट इज द वैल्यू अगेन सी एफ विल बी जीरो बिकॉज सी इज ग्रेटर देन फोर मीन्स की अगेन्ट्रैक्शन रिजल्ट अगर सब्ट्रेक्शन पॉसिबल हुआ तो क्वेश्चन विल बी इंक्रीज बाई वन तो न्यू क्वेश्चन वैल्यू इज टू डन नाउ अब हमारा डिविडेंट की न्यू डिविडेंट वैल्यू इज थ्री नाउ वी विल कंपेयर थ्री विथ फोर अब हमने थ्री को फोर के साथ कंपेयर किया तो दिस कंडीशन इज फॉल्ट बिकॉज थ्री इज लेस देन देस की सी एफ विल बी वन अगर सी एफ विल बी वन होगा तो हमारा सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो ये जो वैल्यू हमें मिली थी डिविडेंड की दिस विल बी द रिमाइंडर और दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन क्लियर ठीक तो अब हम यही कॉन्सेप्ट यूज करके प्रोग्राम लिखेंगे ठीक हमारा फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर सब्ट्रैक्शन करेंगे वेन सब्ट्रैक्शन विल बी पॉसिबल वेन सी एफ इज इक्वल टू जीरो मीन्स की अगर कैरी जीरो होगी तो सब्ट्रैक्शन करेंगे अगर कैरी की वैल्यू कैरी oh, होती है अगर सी एफ की वैल्यू वन होगी तो हमारा सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है डिविजन पॉसिबल नहीं है डिविडेंड हमारा रिमाइंडर हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे विद द फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट में हमें क्या चाहिए हमारा नंबर था जो डिविडेंड था डिविडेंड डिविडेंड वाज जीरो बी हेक्स और स्टोर्ड एट टू जीरो फाइव जीरो एच देन नेक्स्ट डिवाइजर डिवाइजर वाज जीरो फोर एंड स्टोर्ड एट जीरो फाइव टू जीरो फाइव वन एच ठीक है क्वेश्चन को वी विल स्टोर्ड एट टू जीरो फाइव टू एच जो हमें मिलेगा एंड जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी स्टोर्ड एट टू जीरो हमें दिमाग में रख के प्रोग्राम राइट करना है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा क्या होगा कि स्टार्ट द प्रोग्राम मींस की स्टार्ट ठीक नेक्स्ट टाइट क्या होगी गेट डिविडेंट गेट डिवाइजर तो हम लिखेंगे गेट Dividend. what will be the next step? Get divisor. ठीक ये मिल गया अब हमें डिवाइजर मिल गया डिविडेंड मिल गया हमने क्या किया था क्वेश्चन को इनिशियलाइज किया था तो सेट q इज इक्वल टू जीरो जीरो क्वेश्चन है तो हम इसके लिए कोई रजिस्टर ले लेंगे सपोज वी विल टेक रजिस्टर सी फॉर क्यू क्वेश्चन की इनिशलाइज कर दिया ठीक है नेक्स्ट हमने क्या किया था कंपैरिजन किया था तो हम यहां पे लिखेंगे कंपैरिजन करेंगे तो हम लिखेंगे इज डिविडेंड डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिवाइजर ठीक है अगर ग्रेटर था तो हम सब्ट्रेक्शन कर रहे थे ठीक है मीन्स की अगर वाई की कंडीशन होगी तो वी विल परफॉर्म सब्ट्रेक्शन ठीक है अगर डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिवाइजर तो हम सब्ट्रेक्शन करेंगे कंडीशन ट्रू होगी तो तो हम यहां पे क्या लिखेंगे डिवीजन डिवीजन इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस डिवाइजर ठीक और अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो हम क्या कर रहे थे क्यू की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमारी क्यू क्या हो जाएगी क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वन वन का इंक्रीमेंट हो जाएगा ठीक है जब एक सब्ट्रैक्शन हो गया तो हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे टिल देन की हमारा डिविडेंड डिवाइजर से छोटा ना हो जाए ठीक है तो हम क्या लिखेंगे रिपीट द प्रोसेस रिपीट लिख देते हैं जस्ट ये हमने लिखा रिपीट ये कंडीशन हो गई रिपीट वो कहां से करेगा जहां से हमारा कंपैरिजन स्टार्ट हुआ था मींस की जब ये हमारा रिपीट करेगा तो ये गो बैक कंपैरिजन वाली स्टेप पे बिकॉज पहले कंपैरिजन करेगा तभी वो सब्ट्रैक्शन करेगा डन ये वाला प्रोसेस हुआ और उसके बाद अगर ये हमारा डिविडेंड जीरो हो जाता है उस केस में क्या करेगा ये जो नो वाली कंडीशन थी यहां पर आ जाएगा स्टोर आर एंड क्यू मींस की स्टोर रिमाइंडर एंड क्वेश्चन ये कब कंडीशन आकर होगी जब हमारा यहां पर नो आएगा ठीक है और उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा दें? ये हो जाएगा ये हमारा प्रोसेस क्लियर है रिपीट करेगा और अगर प्रोसेस पूरा चलता रहेगा तब तक की जब तक कि ये हमारा कंडीशन यहाँ पे अंट्रू नहीं हो जाती जैसे ही नो होगा मींस कि जैसे ही डिविडेंड इज लेस देन डिवाइजर होगा कैरी जनरेट होगी ये हमारे रिजल्ट एंड क्वेश्चन को स्टोर करेगा एंड प्रोग्राम को स्टॉप करेगा ठीक तो अब हम राइट लिखते हैं अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन फर्स्ट है हमारा गेट डिविडेंड गेट डिविडेंड हमारा कहाँ है टू जीरो फाइव जीरो पर तो हम हमेशा वही वाली इंस्ट्रक्शन एल एक्स आई एच टू hl की वैल्यू क्या हो जाएगी टू जीरो फाइव जीरोन हम क्या करेंगे मूव ए कॉमा एम जैसे ही हमने लिखा मूव ए कॉमा एम मीन की कॉपी द कंटेंट ऑफ जो एच एलर में जो लोकेशन थी टू जीरो कंटेंट कहा मूव हो जाएगा मीन्स की जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी एक्यूमलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो बी दिस इज द डिविडेंट डिविडन हमारा कहा आ गया एक्यूमलेटर में ठीक नाउ अब हमें चाहिए डिवाइजर तो हम लिखेंगे आई एन एक्स एच जैसे ही हमने लिखा आई एन एक्स एच एच एल का कंटेंट क्या हो गया एच एल की वैल्यू हो गई टू जीरो फाइव वन और ये जो आपका लोकेशन है ये किसका है डिवाइजर का ठीक तो अब हम क्या करेंगे हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अगर आप चाहो तो किसी रजिस्टर में मूव करा लो इधर आप ऐसे भी छोड़ दो चलेगा चलो बेस्ट है कि हम मूव करा लेते हैं हम मूव करा लेते हैं मूव इसको करा देते हैं बी कॉमा एम मीन्स की बी में हमारा डिवाइजर आ गया बी की वैल्यू क्या हो गई जीरो फोर ठीक है दिस इज द कंटेंट ऑफ डी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस नाइन अब हमें क्या करना है क्यू को हमें जीरो जीरो करना है सेट तो हम एक रजिस्टर ले लेते ले हैं हमारे पास सी डी बच रहे हैं तो हम यहाँ पे कर देते हैं एम वी आई सी इज इक्वल टू जीरो जीरो तो हमने सी को सेट किया एज अ क्वेश्चन रजिस्टर और उसकी वैल्यू क्या होगी जीरो जीरो ठीक है नाउ अब हम क्या चेक करेंगे यहां कंपेरिजन करना है इस डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिवाइजर कंपेरिजन हो रहा है तो हम लिखेंगे क्या हमारा डिविडेंड कहाँ है ए में और डिवाइजर कहाँ है बी में ठीक है तो हम लिखेंगे सी एम पी किसको कंपैरिजन करना है एक्यूमलेटर के साथ इसको तो सी एम पी बी लिखेंगे ठीक है हम एक्यूमलेटर के कंटेंट को कंटेंट ऑफ बी कंपेयर करेंगे अगर हमारा कैरी फ्लैग आता है मीन्स की हमारा नंबर छोटा है तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं होगा बट अगर कैरी फ्लैग नहीं आता है तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा ठीक है मीन्स की और कैरी फ्लैग कब आएगी जब हमारा नंबर छोटा होगा क्लियर मैंने इनिशियली ही बताया था यहां पर कि वेन ए इज लेस देन बी वेन ए इज लेस देन बी होगा तो आपकी कैरी फ्लैग आएगी कंपेरिजन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कैरी फ्लैग कब आएगी जब हमारा ए इज लेस देन बी होगा और जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो कैरी फ्लैग नहीं आएगी मीन्स की सी की वैल्यू जीरो होगी तो ये जम्प कब करेगा वेन सी एफ इज इक्वल टू वन ठीक है तो हम यहां लिखेंगे जे सी इज पर हमारा जंप होगा लिख देते हैं लूप वन ठीक है ये कैसे हुआ यहां लिखा है डिविडेंड इज नॉट ग्रेटर देन डिवाइजर मीन्स कि जब हमने कंपैरिजन किया ए को बी से ठीक है तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई फॉल्स हो गई तो हमारी यहाँ पे सी एफ की वैल्यू वन आ गई तो ये जंप कर रहा है डेट्स वाई मैंने लिखा जेसी पर ये वन जाएगा ठीक है वन क्या होगी वो हम बाद में करेंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है मींस कि सी एफ की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा डिवीजन परफॉर्म करेगा डिवीजन में ये क्या कर रहा है डिविडेंड माइनस डिवाइजर ठीक है तो डिविडेंड हमारा कहां है ए में डिवाइजर कहां है बी में तो इट विल परफॉर्म सब्ट्रैक्ट बी ठीक है सब्ट्रैक्ट बी करेगा और जो नेक्स्ट हमारे डिविडेंड की वैल्यू होगी वो कहां हो जाएगी डिविडेंड कहाँ चला जाएगा इसके सब्ट्रैक्शन के बाद अगेन वो हमारा ए की न्यू वैल्यू होगी डन ठीक है फॉर दिस अगर हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की तो इस लाइन में क्या एग्जीक्यूशन होगा बी इज इलेवन माइनस जीरो फोर विल बी द आंसर आंसर विल बी जीरो सेवन दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ एक्मिडेटर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है जब अब हमारा एक सब्ट्रैक्शन अगर पॉसिबल होगा तो क्वेश्चन विल बी इंक्रीज बाई वन तो हम क्या लिखेंगे आई एन आर सी बिकॉज सी में हम क्वेश्चन को स्टोर कर रहे थे ठीक है देन हमने लिखा है रिपीट सेम स्टेप को रिपीट करेगा बट ये बीच की लाइन हमारी नहीं है वो सीधे ऊपर जाएगा जब ऊपर जाएगा मीन्स की देयर इज नो कंडीशनल जम्प इट इज जम्प बिना कंडीशन के जम्प है जब भी अनकंडीशनल जम्प होता है हम क्या यूज करते हैं जे एम पी इसको हम लिख देते हैं रिपीट और एल टू मैं लिख देती हूं रिपीट रिपीट ठीक है ये रिपीट कहां होगा वापस सीएमपी पे जाएगा एंड सेम प्रोसेस को करिएगा ठीक है बट बट अगर इस कंडीशन में ही हमारी कंडीशन क्या हो जाती कि हमारी जेसी कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर वन हो जाती उस केस में ये कहाँ जम्प करता है एलवन पर तो एलवन पे हमारा क्या होता ये वाली लाइन स्टोर रिमाइंडर एंड क्वेश्चन ठीक है और रिमाइंडर हमारा कहाँ होता अक्यूमेलेटर में तो ये क्या करते एक्यूमलेटर में रिमाइंडर है तो हम पहले क्यू को स्टोर कराते हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन हमारा कहाँ पर है सी में है ठीक है तो हम क्या करेंगे आई एन एक्स एच जब हमने आई एन एक्स एच किया तो प्रीवियस वैल्यू ऑफ आई एन एक्स वॉज टू जीरो फाइव वन आफ्टर दिस आई एन एक्स वैल्यू ऑफ एच एल एच एलर की न्यू वैल्यू विल बी टू जीरो फाइव टू ठीक है ये हो गया देन हम क्या करेंगे मूव एम कॉमा सी सी वॉज द क्वेश्चन तो सी की वैल्यू कहां मूव हो जाएगी एम में मीन्स की टू जीरो फाइव टू के पास जो वैल्यू स्टोर होगी दैट विल बी द क्वेश्चन ठीक है जो भी होगी इस प्रोग्राम में मैं लास्ट में बताती हूँ देन अब हमें चाहिए रिमाइंडर रिमाइंडर कहाँ है एक्यूमलेटर में उसको कहाँ स्टोर कराना है टू जीरो फाइव थ्री में तो अगेन वी इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ एच एल पेयर आई एन एक्स एच आई एन एक्स एच किया तो न्यू वैल्यू ऑफ एच एल पेयर विल बी टू जीरो फाइव थ्री एच ठीक है दिस इज द वैल्यू अब रिमाइंडर हमारा कहा है एक्यूमलेटर में डिविडेंड वाला तो हम क्या लिखेंगे मूव एम कौमा ए तो हमारा जो भी रिमाइंडर था वो कहाँ स्टोर हो जाएगा टू जीरो फाइव थ्री पर एक्यूमुलेटर से क्या आ जाएगी रिमाइंडर की वैल्यू ठीक है ये आ जाएगी उसके बाद हमारा प्रोग्राम विल बी हॉल्ट ठीक है और ये जो रिपीट है हम कहा मेंशन करेंगे कंपैरिजन पे बिकॉर्ड डायग्राम में भी यहां पर आ रहा है मींस कि हम इसके आगे लिखेंगे रिपीट ठीक है ये हो गया हमारा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम अगर हमें लोकेशन के फॉर्म में लिखना होगा वट विल बी द लोकेशन लेट स्टार्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम विथ टू ठीक है दिस इज अ थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर क्या होगा टू थाउजेंड जीरो वन टू थ्री वन बाईट इंस्ट्रक्शन टू जीरो जीरो फोर अगेन वन बाइटी जीरो फाइव वन बाई टू जीरो जीरो सी एम पी जो हमारा होगा वो टू जीरो जीरो एट पर होगा ठीक है मीन्स की जहाँ जंप के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे टू जीरो जीरो एट डन फिर हमारा सी एम पी एज ए वन बाइट इंस्ट्रक्शन तो हमारा जेसी विल बी अकर एट टू थाउजेंड ए, सॉरी वन बाइट है तो टू थाउजेंड नाइन ठीक है जेसी इज अ थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन तो इट विल टेक नाइन ए बी सब्ट्रैक्शन नाइन के बाद नाइन ए बी सी सब्ट्रैक्शन इज वन बाइट इंस्ट्रक्शन तो यहां पर होगा टू थाउजेंड डी यहां होगा टू थाउजेंड ई जम्प इज अगेन थ्री बाइट इंस्ट्रक्शन तो ये लेगा इफ वन जीरो तो आई एन एक्स

नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं एड्रेस लोकेशन क्या होगी अगर हम ये वाला प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे तो हमारा सब्ट्रैक्शन कैसे होगा बी इज इलेवन डिवाइडेड बाई फोर है ये हमें परफॉर्म करना है तो जब हमारा फर्स्ट टाइम प्रोसेस होगा तो इलेवन माइनस फोर इज इक्वल टू सेवन सेवन माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री मीन्स की एक सब्ट्रेक्शन तो वन अगेन सब्ट्रैक्शन तो टू टू विल बी द फाइनल क्वेश्चन तो टू जीरो फाइव जीरो टू पे क्या स्टोर होगा जीरो टू एज अ क्वेश्चन एंड थ्री इज लेस देन डिवाइजर तो हमारा आगे पॉसिबल नहीं तो दिस विल बी द फाइनल रिमाइंडर और रिमाइंडर हमारा कहाँ स्टोर होगा टू जीरो फाइव थ्री पर तो so, हमारी वैल्यू क्या होगी दिस दिस विल बी द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम थैंक यू